मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। DIY मेरे को भी करना पड़ेगा कैसे इस गोरे होने के लिए? मैं झुकेगा नहीं। हमारे लिए गिफ्ट है। इतने दिन से नहीं नहाए हो। गाइस आज इसके चैनल की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, मतलब समझ लो। बताओ यार कुछ खास है भैया? ब्लॉग चालू कर ही नहीं पाया मैं, इसको इतना फोर्स किया भाई आज मेरा ब्लॉग तू चालू कर दे। नहीं नहीं करना, मेरे से नहीं होने, मैं झंडू इंसान हूँ। नहीं हो सकता यार, हमको सिर्फ तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। तो मैं बोल देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सो कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो चालू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमारे घर में बस कटिंग का भी बस है प्रोग्राम, तो हमारे एक बात बताओ, ये इंसान मेरे को बोला सुबह कि भाई मैं तेरे को 11 बजे फोन करूंगा। मैं बोला ठीक है तू 11 बजे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। मैं बोला करके ठीक है, मैं 11 बजे तक वेट किया, 11:30 हो गया। भैया बोलते हैं रसम पूरी हो गई भाई। बोला ये क्या हुआ यार, अचानक भयानक हो गया, मुझे खुद को खबर नहीं थी। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, मेरे को तो बुलाया नहीं करके। नहीं भाई वो तो मेरे को भी नहीं पता चला रसम हो गया, बस हो गया, बस ये कौन सा रसम है भाई, बस नहाना था ना रसम पूरा बस। और वो भी नहाना भी इजी नहीं था यार, ठंडे पानी से बेचारा नहा दिया, वो भी घड़े का पानी। लोग इसको ना ऐसे बोलते हैं तू नहा, आज तू इतने साल से नहाए नहीं, आज तेरे को पूरा नहला के भेजेंगे। बड़ी दुख की कहानी है यार। कोई नहीं। अभी तो इसको 3 दिन तक ऐसा नहलाया जाएगा ना ऐसा, कि मतलब फिर 3 साल तक नहीं नहाया होगा ऐसा। 3 साल तक मतलब सॉरी 3 साल तक काम आएगा इसको, आज ऐसा नहलाया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल घर जा रहे हैं, ये बंदा खाना खा ले, थोड़ा फ्रेश हो ले, हम भी जा रहे हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सामान पहुंचाना है घर, जाते हैं वापस इससे मिलने। तो अभी मैं सो कर उठा हूँ। देखो बड़ी हंसी आ रही है। अब हुआ क्या कि मैं अब लास्ट वाली वीडियो में देखोगे, मतलब लास्ट वाली इससे पहले वाली वीडियो में मैं कि गोपाल को ये बोला कि अभी मैं आऊँगा नहा के फ्रेश होके। मैं खाना खाया, मतलब सॉरी नहाया, खाना खाया और सो गया। मैं बोला करके कि चलो 1 घंटा सो जाता हूँ। मैं गोपाल को कॉल भी किया कि 1 घंटे के बाद भाई तू कॉल करना, बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये कि गोपाल बल्कि ये बोलता है करके कि भाई कल सब चीज़ होगा तो तू कल आना, आज रहन दो। और मैं भी सो के वैसे भी 2 घंटा हो गया, और अभी बज रहे कुछ 6:20 हो चुके हैं। तो इस वक्त नींद जीत चुका है और प्लान कैंसिल हो चुके हैं। ऐसा भूख लग रहा, अभी कुछ खा लिया जाए पहले। तो यहाँ पे अपना सैंडविच तैयार हो रहा है, तो उसकी रेसिपी क्या है जरा शेयर करना चाहोगे? नहीं है? क्यों? ये सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट रेसिपी ऐसे बता रहा हूँ मैं, ये है आलू भुजिया और प्याज, आलू चटनी, वो दो क्या है, वो लाल मिर्ची दिख रहा है, ये क्या है ये आप पता कर लो क्या है, क्योंकि इतना जानकारी मेरे पास नहीं है। ये मायोनीज लगा उसमें वो वाले, और ये ऐसे कुछ बन रहा है। और इसके कितने दिन से नहीं नहाया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, कंपटीशन लगाएंगे हम सब कितने दिन कौन नहीं नहाता है। 3 दिन के बाद नहाया हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज है day 2, और day 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कल का व्लॉग आधा अधूरा रह गया था। इसकी रीज़न है मेरी नींद, और आज अभी टाइम हो रहा सुबह के 7, और ये क्यों हो रहा पता है, कि मैं इस बार सोच लिया था कि मैं आज लेट नहीं होऊंगा, आज तो बिल्कुल भी लेट होना ही नहीं है, आज कैसे भी उठ जाना है, और मैं उठ चुका हूँ तो आज व्लॉगिंग होगी, आज बनेगा हमारा वीडियो। अभी सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया था मैं। हेलो दुल्हे, हमारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा गिफ्ट हमारा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग गया। ये क्या है, तुम आँखें क्यों नहीं खोल पा रही हो, कौन से नशे में हो? बहुत बड़े नशे में है हम, सर दर्द के नशे में। ऐसा ही क्या, अचानक भयानक सुबह के टाइम पे एकदम ऐसा सर में दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और खेलो फ्री फायर। हाँ वो भी है, अब फ्री फायर भी बंद हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया उसका। मैं बता रहा हूँ शादी के बाद कुछ नहीं खेलेगा। हाँ मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए मुझे, कहीं से भी पैसे ला कर दो यार। आज मुझे बुखार है। नहीं तुम जाओ,
जाओ तुम, है ना, है ना, वही ना, जाओ, समझ रहा ना, चाबी गिर गया, चल ठीक है, कोई नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुक गया, जो झुकेगा वही उठेगा। ना नहाने जा रहा है, है ना, कौन से पानी से, कल जो मैच छोड़ दिया था आज मैं देख के जाऊंगा, देख रहे हो, फिट है बॉस, पेट दिखा अपना। हमारा दूल्हा नहा धो के रेडी हो गया है और देख लो फिट फिट की, आज मैं बोला था कि सच्चाई दिखा के रहूंगा, अब देखो ये सच्चाई देख लो, ये सच्चाई है, ये फिट है, और क्या करूं, इससे ज्यादा और फिट नहीं हो सकता ना भाई। अच्छा अच्छा, काम करने वाला आदमी भाई ऐसे ही रह सकता है, ठीक है। लौंडा पूरा गोरा हो गया, मैं मेरे को भी करना पड़ेगा क्या चीज गोरे होने के लिए, मैं भी करूंगा ये चीज़, अब हल्दी रोज नहाऊंगा, रोज हल्दी से नहाऊंगा। अभी आपको मैं कुछ चीज दिखाऊं आना भाई, आना पड़ेगा, आ जा, देखो मेरी कसम आ जा। अब दिखाता हूँ, रुको तेरा हाथ दिखाओ अपने, नहीं नहीं हाथ दिखाओ, नहीं यार दिखाओ, यार बस कर अब तू हो गया। अरे वो मेन सीन दिखाओ, मेन सीन दिखा दिखा दिखा, बोला कहाँ पे है, डी आई वाई ए हो गया, क्या बात है। देखो मैं बोलना नहीं चाहूंगा पर उस टाइम हम लोग बोले थे, मैं अभी आपको बुरा लगेगा फिर मैं बोल रहा हूँ, डीजे दिया करके लिखता था ज्यादा अच्छा रहता। अरे यार बस यार, फिर ना राजस्थान में ना डीजे दिया, सॉरी सॉरी भाभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दिल से सॉरी, मैं मजाक कर रहा था बस। हाँ बिल्कुल छोटा सीधा साधा, नहीं तो आप बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपकी मजाक कर रहा हूँ तो ये मेरे को चपेट नहीं लगा देता, मैं लगा सकता था लेकिन हाथ में कुछ क्या करूँ, फिर वो गाड़ी है ना वहाँ लेके चल जाता था। मैं कभी मेहंदी नहीं लगाने वाला, ऊपर वाले से यही बोल, ऊपर वाले सब कुछ सहना पड़ता, सब कुछ सह लिया, शादी करवा दिया, हल्दी लगवा दिया, मेहंदी लगवा दिया, भुरका भी पहनवा देगा, बस इससे उम्मीद मत करो आगे कुछ। सर ये तो टट्टी है, बोला था ना लास्ट भुरका नहीं है, और ही बचा लो, फेशियल करवा रहा है लौंडा, एकदम चमक के निकलेगा अपना, चमक के क्या ना दिखना चाहिए ना कि दूल्हा अलग से दिख रहा है, तो पता ही चलेगा कि दूल्हा करिया करिया दिखेगा, अच्छा ही लगेगा ना कि हमारा दोस्त करिया करिया है, कुछ खास, कुछ कुछ खास किए इस बार, है ना। चेमन भाई जो आज के कार्यकर्ता जिसको गोरा करने में पूरी मदद कर रही है, इनका सुनार मार्केट में दुकान है, लौंडा चमक रहा है लेकिन सही में, अभी तो आधी मेहनत हुई है ना, अभी तो पिक्चर बचा है, अभी तो 60 डब्बे और लगेंगे, मतलब ये से और ऊपर हो जाएगा, छोटा मोटा काम नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं मैं तो सोच ये इतना गोरा हो जाएगा और ये इतना काला हो जाएगा। नहीं बताऊंगा ना धूप में क्या, मैं सिर्फ इतना हिस्सा निकला था, इतना मैं हेलमेट पहन के गया। अच्छा तो अभी घर आ चुके हैं और अभी मैं व्लॉग डेज पे इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि
जो शादी का जो रसम है ना वो ऐसे हो रहा है, एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है, तीसरे दिन होता है, तो प्रॉपरली एक व्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो मैं ये डिसाइड किया हूँ कि मैं आपको डेज में थोड़ा थोड़ा क्लिप करके आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली हो क्या रहेगा कि पहले दिन जाता हूँ तो थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद हम लोग बैठे रह जाते हैं, उसके बाद फिर होता है, फिर हम लोग बैठे रह जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हो रहा था, तो इसलिए मैं क्लिप्स में आपको दिखा रहा हूँ डेज में। मतलब कल शायद तीसरा डे होगा, आज दूसरा डे है जो मैं शूट कर रहा हूँ। और हाँ, और एक और बात कि कल सुबह वो निकल रहा है यहाँ से राजस्थान के लिए, तो कल उसको बाय बाय भी बोलना है। कल सुबह जाना है, लगभग 6 से 7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और नींद में रहूँगा। और हम एक और चीज़ तो बताना मैं भूल गया कि फेब को मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ व्लॉग्स के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो इस ये मंथ है, ये मंथ में उतना कुछ खास तो है नहीं, बट में हम दिखाएंगे कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अतरंगी, कुछ सतरंगी। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखाएंगे जिसको आप ऐसे देखेंगे। बने रहिए, हम आपको जरूर लेकर जाएंगे। शुरू होगा हमारा क्या बोलते हैं फैब। ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, सो जाइए दूध पी के। बड़ी मुश्किल के बाद दूल्हा निकल रहा है, और दूल्हा क्या क्या मुश्किलों से गुजरा सुनना नहीं चाहोगे? बताओ जरा, अपने मुंह से बताओ। पुलिस चक्कर बहुत बेकार है यार, बहुत धोया अगले ने, पूरा लाल कर दिया, धो धो के इतना ज्यादा लाल कर दिया, इतना ज्यादा लाल कि कोई टमाटर भी इतना लाल नहीं दिखता। देखना ये दिखाना, ये देखिए, ये देखो देखो, तो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई बिल्ली ने पंजा मार दिया। बाकी यहाँ धूप ज्यादा इसलिए आग बंद हो रहा है। बोल दे भाई, तेरे लिए इंतजार कर रहे, चलो हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बर्बादी हो रही है क्या, चल जाओ, मोबाइल रखो, बाय बाय। तो गोपाल चले गया, गोपाल की मेहंदी हो गई, गोपाल को फेशियल हो गया, डन। अब बचा ये है कि जो मैं बोला था आपको कि मेरा फरवरी का प्लान है, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि फरवरी में हमने क्या प्लान किया है। बट मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए जैसे सरप्राइज रहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी वो चीज़ नहीं प्लान बताना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे उसको ट्रिप को, जो मैं जो फेब में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाना है। तो देखो अभी मैंने क्या प्लान किया, तो ये कुछ कट आउट्स है, और इसके पीछे मैंने कुछ जगहों के नाम लिखा है जो मेरे एरिया में है या जो मेरे भिलाई के एरिया में है, उसको मैं एक्सप्लोर करने आऊँगा। ये है कुछ, और एक बात और मैं इसको आपको बता नहीं सकता कि इसके पीछे क्या लिखा है, क्योंकि ये एक सरप्राइज है। मैं जहाँ जा मैं बहुत कुछ लर्न करूँगा, बहुत चीज़ सीखूँगा और बहुत चीज़ देखूँगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे आके प्रेजेंट ना होना तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है उस जगह को एक्सप्लोर करना। क्योंकि जब तक हम ट्रैवल ना करें, जब तक हम लोगों से ज्ञान ना दे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जो फैब है हमारा वो बहुत मेरे मेरे प्लान से अगर होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी होगा तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको पसंद है अनप्लान चीज़ें भी। तो अभी बाकी और कुछ नहीं, इसको पेस्ट करते हैं क्योंकि ये भी प्लान बहुत ज़रूरी है। चलो अगर आपको ये 3 दिन पसंद आया वो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धमाके लाइक शेयर, धमाके कमेंट, धमाके सब्सक्राइब आना चाहिए। कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या भाई मैं? तो आपको पसंद आया वो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, आपको करना है कैसे भी करके करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, खुदा हाफिज़।